खबर आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां छात्रा को जल्द बरामद करने की गुहार लगाई जा रही है। 25 अक्टूबर को स्कूल जाते समय रास्ते से छात्रा अगवा हो गई थी और 7 दिन बाद भी छात्रा की बरामदगी नहीं हो सकी है। अभी तक वो छात्रा मिली नहीं है, 7 दिन बीत चुके हैं। बांसगढ़ी गांव के युवक पर अगवा करने का आरोप लगा हुआ है और आरोपी पिता को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसके बाद पिता ने एसपी से गुहार लगाई है और पूरा मामला जमुना पुलिस चौकी के एक गांव का है, जहां पर छात्रा को जल्द बरामद करने की गुहार लगाई जा रही है। आपको बता दें, छात्रा को लापता हुए 7 दिन बीत चुके हैं। श्रावस्ती से एक खबर है, 25 अक्टूबर को स्कूल जाते समय रास्ते में छात्रा को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद अब 7 दिन बाद भी छात्रा की बरामदगी नहीं हो सकी है। अब हम रहते हैं जमुना बाजार श्रावस्ती। स्कूल जा रही थी 9 बजे टेम, और उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आई, जिसका नाम है चेतन। वो अपने ग्रुप के लड़किन के साथ जोड़ के और बंधक बना के भगा ले गया। आज तक अभी तक कोई लोकेशन कोई पता नहीं चल रही है। मैंने थाने पे गए हैं, मल्लीपुर थाना वहाँ गए हैं, दरखास्त दिए हैं, वो कोई नहीं सुनवाई है। कप्तान साहब के वहाँ गए हैं, अभी तक वो कुछ नहीं सुनवाई है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसका नाम है चेतन, उसके बाप का नाम चंद गोपाल, और उल्टे से धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, अगर कहूँ इधर उधर जाओगे अपनी एप्लीकेशन लौटा लीजिए, न तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। अगर यहाँ चौकी पर जाते हैं, जमुना चौकी पर जाते हैं, तो चौकी वाला दरोगा खुद मुझको हड़काता है, कोई हमार सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हम कहाँ चले जाएं, क्या कर सकते हैं? जहर खा सकते हैं, खाली फांसी लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कहाँ चले जाएं, कहाँ मर जाएं, क्या करें? मेरी पत्नी वो भी मरने वाली है, वो भी मर सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या नाम है आपकी बेटी का? सामिया। कितनी उम्र होगी उसकी? 16 साल। और खबर लखनऊ से।